हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए बेबी के लिए हम कैप बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है, तो ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। इतना मैंने बना लिया है। अब इसके बाद फिर हम फंदे कम करेंगे, टोपी की शेप बनाएंगे। तो पहले देखिए इसकी लेंथ, पाँच इंच मैंने इसको, ये थोड़ा सा ऐसे खींचेगा अभी फ्रेंड, 5.5 इंच इसकी लेंथ है। ये देखिए ऐसे 5.5 इंच तक मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे हमने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, फिर 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, फिर चार ऐसे। तो अब मैं आपको फंदे डालना बताती हूँ। सबसे पहले एक साइड देखिए ऐसे हमने डबल कर लेना है और एक साइड हमने सिंगल छोड़ना है धागा। अब यहाँ पे एक नोट लगाएंगे ऐसे और डिजाइनर फंदे यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए एक फंदा ऐसे अंदर से डालेंगे, एक ऐसे बाहर से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे आप इसमें 75 फंदे डाल लीजिए बॉर्डर में। 75 फंदे डालने के बाद फिर मैं आपको एक बुनना बताती हूँ बॉर्डर कैसे बनाएंगे। इसमें मैं कम फंदे डालूँगी क्योंकि ये मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए इसमें। अब ये जो धागा बचेगा इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे नोट लगा देंगे, क्योंकि फिर बार बार सिलाइयों में फंसता है। तो ऐसे आप इसमें नोट लगा दीजिए और इस सिलाई के काम आ जाता है। अब देखिए दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बनाना है, पहली सिलाई भी उल्टी, दूसरी भी उल्टी, तीसरी भी। और इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पर 4 धारियाँ बनाई हैं, 1, 2, 3, 4 4 धारियाँ हम ऐसे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लेंगे। तो ये सिलाई पूरी बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड एक सिलाई हमने पूरी बना ली। ये जो मैं बना रही हूँ ये बूट का डिजाइन है, इस पे मैंने 36 फंदे डाले हैं और ये कैप का डिजाइन है। तो सेम डिजाइन बनाएंगे हम। कैप पे हमने 75 फंदे डाले हैं, 75 फंदे और इस पे 36। अब देखिए दूसरी सिलाई भी इसकी हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये देखिए, तो इस तरीके से 4 धारियाँ हम बना लेंगे। ये हमारी पहली धारी बन के आ गई, तो 4 धारियाँ बना लेंगे, फिर आगे दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये हमने बना लिया 1, 2, 3, 4 धारियाँ। अब हमने ये डिजाइन बनाना है। तो पहले यहाँ पे मैंने ये 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, पर यहाँ पे हम 4 ही बनाएंगे। कैप के लिए 6 और इसके ऊपर फिर 4 हैं ये। बस शुरू में ही हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। तो देखिए अब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे इस पर। तो पहली सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे, तो ये सिलाई पूरी सीधी बनाने के बाद दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो 4 सिलाई हम ऐसे बनाएंगे, 2 सीधी और 2 उल्टी। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ। अब देखिए पहली सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली, अब दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ऐसे अपनी साइड को सिलाई करके पूरी सिलाई उल्टी ऐसे बना देंगे। तो फिर तीसरी सिलाई सीधी बनाएंगे और चौथी फिर हम दूसरे कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई जो बनाएंगे तो उल्टी साइड से हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये पूरी मैं बना लेती हूँ, ये वाली उल्टी सिलाई और अगली सीधी, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये सीधी सिलाई भी हमने पूरी बना ली। अब उल्टी सिलाई से हम यहाँ पे इस कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो पूरी सिलाई ये उल्टी हम पहला फंदा हमने स्लिप करा और ऐसे ज्वाइंट करेंगे इससे, और पूरी सिलाई ये इस कलर से बना देंगे।
तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। फ्रेंड चार चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, चार ही सिलाई हम रेड से बनाएंगे और चार ही हम क्रीम से। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे अपनी साइड को ऐसे धागा रख के। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ दूसरी, फिर तीसरी पे हम डिजाइन बनाएंगे उल्टी सिलाई पे। ये देखिए दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी पे आ जाइए, पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और दूसरे पे ऐसे जाली बनाएंगे और दो का एक कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे और फिर दो का एक कर देंगे, फिर जाली बनाएंगे दो का एक, जाली बनाई दो का एक, जाली बनाई दो का एक करा, फिर जाली बनाई दो का एक, जाली बनाते ही दो का एक कर देंगे। जाली से एक फंदा बढ़ता है और दो का एक करेंगे इससे एक फंदा कम हो जाता है। एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे और एक हम कम करते जाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर लगता है बनके। तो देखिए पूरी सिलाई में हमने ऐसे दो का एक कर दिया। अब लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बना देंगे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए, तो सीधी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे इसकी। ये देखिए जाली वाला फंदा भी ऐसे उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, पूरी सिलाई हम इसकी उल्टी बुन देंगे। इसके बाद चार सिलाइयां हम रेड कलर से लगाएंगे। तो चार चार सिलाइयों का ये डिजाइन हमारा बहुत ही सुंदर बन के आता है फ्रेंड। दो कलर से आप बच्चों के स्वेटर पे भी इसको बना सकते हैं। लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो देखिए और इस तरीके से हम चार चार सिलाइयाँ बनाते जाएंगे तो ऐसे हमारा ये बनता जाएगा। अब उल्टी सिलाई हम रेड कलर से बनाएंगे ऐसे, पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी रेड से बना देंगे। एक उल्टी एक सीधी, एक उल्टी एक सीधी, चार सिलाइयाँ हम रेड से बनाएंगे और फिर से यही डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर। तो कैप पे मैंने एक दो तीन चार बार बनाया है और इस बूट पे हम दो बार ही बनाएंगे। तो इतना बना लीजिए, फिर दिखाती हूँ आगे।